हेलो स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एम्फीबिया के बारे में पढ़ा था, उनके जनरल करेक्टर्स पढ़े थे और उनके सभी सिस्टम्स के बारे में भी पढ़ा था। आज हम एम्फीबिया के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है हमारा इंडियन फ्रॉग। इंडियन फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रीना। तो अब हम इनके कुछ स्पेशल करेक्टर देख लेते हैं। जो राना टिग्रीना होता है वो डायर्नल होता है, यानी कि दिनचर होता है, दिन के समय वो ज्यादा एक्टिव होता है। और जो स्किन होती है वो मॉइस्ट ग्लैंडुलर एंड वेस्कुलर होती है। ग्लैंडुलर इनकी जो स्किन है, इनके अंदर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है और जो स्किन के अंदर ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, यानी कि वेस्कुलर होती है और म्यूकस ग्लैंड की वजह से वो मॉइस्ट भी होती है, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपरली हो सके। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलता है, यानी कि जो मेल है और फीमेल है उन्हें आप देखकर अलग अलग पहचान सकते हो। तो मेल के अंदर वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ उनका जो नेक वाला पोर्शन है, नेक तो नहीं होती है इनके अंदर, जो इनका जहां हमारे फेस के नीचे की तरफ यहाँ वोकल सेक्स होते हैं उसके अंदर, और वो उनसे वो आवाजें निकालता है, आवाज निकालता है, वो फूल के काफी बड़े भी हो जाते हैं। और जो इनके फोर लिम्स होते हैं, फोर लिम की फर्स्ट फिंगर यानी फर्स्ट डिजिट के नीचे न्यूक्टियल पैड्स पाए जाते हैं। मेल के अंदर ही फोर लिम्स की यानी उसके जो आगे वाले जो पैर हैं, उसकी जो फर्स्ट फिंगर है उसके नीचे की तरफ न्यूक्टियल पैड्स पाए जाते हैं। तो ये दोनों ही करेक्टर मेल में पाए जाते हैं और फीमेल के अंदर ये नहीं होते हैं। अब लिम्स की बात करें तो जो लिम्स होते हैं इनके अंदर फोर होते हैं, चार होते हैं, टू फोर लिम्स एंड टू हाइंड लिम्स। फोर लिम्स के अंदर फोर डिजिट्स होती हैं, फोर फिंगर्स होती हैं, और हाइंड लिम के अंदर फाइव फिंगर्स होती हैं, और फिंगर्स के बीच में वेब प्रेजेंट होता है जो उन्हें हेल्प करता है जब ये वाटर में होते हैं स्विम करने में। तो लिम्स कितने हैं? फोर हैं, टू फोर लिम्स यानी आगे वाले पैर और टू हाइंड लिम्स यानी पीछे वाले पैर। फोर लिम्स के अंदर फोर फिंगर्स हैं और हाइंड लिम के अंदर फाइव फिंगर्स हैं, और दोनों ही पैरों की फिंगर्स कैसी होती है? वेब्ड होती है, जिससे कि इन्हें वाटर में स्विम करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है ये मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, यानी कायांतरण होता है इनके अंदर। लार्वा और एडल्ट दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और लार्वा के एडल्ट में चेंज होने की प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जो लार्वा होता है वो एक्वाटिक होता है, उसके अंदर टेल भी प्रेजेंट होती है, वो अमोनोटेलिक होता है, और इसके अलावा उसके अंदर गिल्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। जबकि जो एडल्ट होते हैं वो एम्फीबियन यानी कि वो वाटर में भी रह पाते हैं और लैंड पर भी रह पाते हैं, उनके अंदर लंग्स होते हैं और वो यूरियोटेलिक होते हैं। तो लार्वा से एडल्ट में चेंज होने की प्रोसेस कहलाती है मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट है हमारा मेटाक्रोमोसिस। मेटाक्रोमोसिस इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि अपने आप को ब्लेंड कर लेते हैं अपने सराउंडिंग में। इनके जो चारों तरफ चीजें हैं, अगर ये प्लांट्स के अंदर हैं तो ये अपने आप को ब्लेंड कर लेंगे प्लांट्स के कलर में, और अगर ये कहीं ब्राउनिश उसमें सराउंडिंग में है तो ये अपने आप को उसके अंदर ब्लेंड कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाक्रोमोसिस। इनके अंदर क्वालिटी होती है मेटाक्रोमोसिस की, यानी कि अपने आप को ब्लेंड कर पाते हैं अपने सराउंडिंग्स। हमने फर्स्ट एग्जांपल इंडियन फ्रॉग के बारे में पढ़ा, राना टिग्रीना, और हमारा सेकंड एग्जांपल है टोड, जिसको हम ब्यूफो भी कहते हैं। टोड हमारे टेरेस्ट्रियल होते हैं, जबकि जो फ्रॉग थे वो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। तो जो टोड है वो क्या है? टेरेस्ट्रियल है, नॉक्टर्नल है, यानी कि रात्रिचर होते हैं, रात के समय ये ज्यादा एक्टिव होते हैं, और उनका जो साइज है वो लार्जर देन फ्रॉग्स होता है, यानी कि फ्रॉग से इनका साइज बड़ा होता है।
इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, अनइवन होती है एंड विदाउट ग्लैंड्स होती है। क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल होते हैं इसलिए ये स्किन से रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, इसीलिए इनकी जो स्किन है उसके अंदर ग्लैंड्स नहीं होती हैं। इनकी स्किन ड्राई है, विदाउट ग्लैंड्स है और अनइवन होती है, यानी खुरदुरी होती है इनकी स्किन। और इनके अंदर पैरोटिड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, इनके जो आईज हैं उसके पीछे की तरफ पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं और ये ग्लैंड टॉक्सिन रिलीज करती हैं, यानी कि विषैला पदार्थ रिलीज करती हैं जो इन्हें इनके जो प्रे होते हैं उनसे बचने में हेल्प करता है, यानी इनको डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। तो ये पैरोटिड ग्लैंड है, क्या रिलीज कर रही है, टॉक्सिन, और किसमें हेल्प कर रहा है, इन्हें डिफेंस अपने बचाव में मदद करता है। इनकी डिजिट्स में यानी इनकी जो फिंगर्स होती हैं उनके बीच में वेब नहीं होता है क्योंकि ये पानी में नहीं रहते हैं, और जो उनके जो टिप होते हैं डिजिट्स के जो टिप होते हैं यहाँ हॉर्नी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हॉर्न जैसे यानी हार्ड हमारे नेल्स टाइप वहां पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने पढ़ा टोट के बारे में। अब हमारा थर्ड एग्जांपल है सेलामेंडर, जिसको हम एम्बियोस्टोमा भी कहते हैं। जब आपने करेक्टर्स पढ़े थे एम्फीबिया के तो हमने देखा था कि अधिकांश जगह पर जो सेलामेंडर था वो एक्सेप्शनल केस में आ रहा था, यानी कि अधिकांश जो हमारे एम्फीबिया होते हैं वो कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, लेकिन ये कैसा था, अमोनियोटेलिक था। तो इसके जो करेक्टर है बाकी एम्फीबिया से थोड़े हटकर हैं। तो जो सेलामेंडर है उसमें एडल्ट भी कैसा होता है, अमोनोटेलिक होता है। अभी तक हमने पढ़ा था केवल लार्वा ही अमोनोटेलिक होता है, एडल्ट कैसे होते हैं, इनके अंदर यूरियोटेलिक होते हैं, लेकिन सेलामेंडर में एडल्ट भी अमोनोटेलिक होता है और इनका जो लार्वा होता है वो एक्सोलोटल लार्वा होता है, जबकि जो मोस्ट कॉमन लार्वा होता है एम्फीबिया का वो टेडपोल होता है। तो इनका लार्वा कैसे कौन सा है, एक्सोलोटल लार्वा, और ये जो लार्वा होता है ये नियोटेनी या पीडोजेनेसिस शो करता है, नियोटेनी या पीडोजेनेसिस। तो जो नियोटेनी होती है ये प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो लार्वा होता है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, यानी कि उसके अंदर ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो सेलामेंडर का जो लार्वा है ये एक्सोलोटल लार्वा ये रिप्रोड्यूस करके एग ले कर सकता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नियोटेनी या पीडोजेनेसिस। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो इक्थियोफिश का है। इक्थियोफिश के अंदर लिम्ब्स नहीं पाए जाते हैं तो इसलिए इसे लिम्बलेस एम्फीबियन भी कहा जाता है। और ये हम लास्ट एग्जांपल पढ़ रहे हैं सूरीनेम टोड का। तो ये जो सूरीनेम टोड होते हैं ये फर्टिलाइज्ड एग ले करते हैं, यानी इनके जो लैग एग होते हैं फ्रॉग के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है, लेकिन इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है। तो ये कैसे एग ले कर रहे हैं, फर्टिलाइज एग ले कर रहे हैं, और इनके अंदर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी बॉडी में जिसके अंदर ये फर्टिलाइज एग स्टोर रहते हैं, और इनकी हैचिंग होती है, हैच होने के बाद इसमें से लार्वा निकलते हैं और वो लार्वा पाउच से बाहर आते हैं। तो ये एग्जाम्पल है सूरीनेम टोड का जिसको हम पीपा भी कहते हैं। तो आज हमने ये एग्जाम्पल पढ़े, 5 एग्जाम्पल पढ़े एम्फीबियंस के, और अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कुछ कोई किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।